हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिडक्स। सो रिडक्स जैसे अभी हम लोग यूज़ कर रहे थे यूज़ स्टेट। सो यूज़ स्टेट क्या करता है कि एक हम स्टेट बना लेते हैं, बट ये स्टेट क्या होती है, लोकल होती है। सपोज़ अगर हम ये स्टेट होम पेज में यूज़ करते हैं तो वो होम पेज में ही रहेगी। अगर हम लॉगिन पेज में यूज़ करते हैं कोई स्टेट तो वो लॉगिन पेज में ही रहेगी। सपोज़ अगर हमें होम पेज का डेटा लॉगिन में या लॉगिन का डेटा होम पेज में यूज़ करना होगा तो उसके लिए हमें एक ग्लोबल स्टेट की नीड होगी। सो रिडक्स की हेल्प से हम एक ग्लोबल स्टेट क्रिएट करते हैं। तो डेटा ऐसे क्या होता है कि डेटा हमारा एक जगह पे रहता है, उस सेम डेटा को हम अगर चाहें तो किसी भी कंपोनेंट में कॉल कर सकते हैं। तो हमारे पास एक सेंट्रल स्टोर होता है, मेन एक उसको हम बोलते हैं एक मेन ग्लोबल स्टेट होती है। उसकी हेल्प से हम कहीं पे भी अपने किसी भी कंपोनेंट में डेटा यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कुछ पैकेजेस होते हैं, सो वो हमें यूज़ करने होते हैं। सबसे पहला होता है npm रिडक्स, तो ये रिडक्स हमें इंस्टॉल करना होता है। और एक होता है रिएक्ट रिडक्स। सो मैं ये कर लेता हूँ npm इंस्टॉल redux रिडक्स एंड रिएक्ट रिएक्ट रिडक्स, ये दोनों मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। और पैकेजेशन में जाके हम लोग देख लेते हैं कि इंस्टॉल हुई या नहीं। तभी इंस्टॉल हो गया और रिएक्ट रिडक्स यूज हो गया और रिडक्स भी हो गया। तो इसके लिए हम के लिए क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले हमारे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना रिडक्स क्रिएट करेंगे। फिर सेकंड हम क्या करेंगे, उस हमारी ग्लोबल स्टेट को हम अपने फंक्शंस में यूज़ करेंगे, हमारे फंक्शनल कंपोनेंट में यूज़ करेंगे। फिर फंक्शनल कंपोनेंट से कोई एक्शन हम डिस्पैच करेंगे जिसके हेल्प से हमारी ग्लोबल स्टेट चेंज होगी। तो ये हम तीन पार्ट में करेंगे। पार्ट वन में हम क्रिएट करेंगे हमारी ग्लोबल स्टेट या रिडक्स या ग्लोबल स्टेट जो भी हम कहना चाहें। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक स्टोर डॉट जे एस एक फाइल बना लेते हैं। सो इस पे हम इंपोर्ट करते हैं क्रिएट स्टोर, एक मेथड होता है क्रिएट स्टोर, क्रिएट स्टोर स्टोर क्रिएट स्टोर जो हमें रिडक्स में मिलता है। सो क्रिएट स्टोर हमने निकाल लिया हमारे रिडक्स में से। सो इसको इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, अपना एक स्टोर क्रिएट कर लेते हैं। स्टोर स्टोर इक्वल क्रिएट स्टोर और इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टोर। सो क्रिएट स्टोर लिया और हमने एक स्टोर को रिडक्स किया। अभी ये सिंपल बिल्कुल लिखा है कोड। उसके बाद क्या करते हैं, अब हम लोग के पास जो एक स्टोर होता है ग्लोबल, उसमें हम मल्टीपल स्टेट्स बना सकते हैं। जरूरी नहीं है मतलब सारा कोड हम एक ही पेज पे लिख दें, अपनी स्टेट्स का हम अलग भी बना सकते हैं। सपोज अगर हम एक अलग फोल्डर बना लें SRC के अंदर, बोलते हैं SRC के अंदर एक फोल्डर बना लेते हैं जिनको हम बोलते हैं रिड्यूसर्स। रिड्यूसर्स क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है स्टेट्स को। मतलब हम अलग अलग स्टेट बना सकते हैं। सपोज अगर हमें होम पेज के लिए ग्लोबल स्टेट चाहिए तो हम होम रिड्यूसर या कुछ भी इस टाइप से नेमिंग कन्वेंशन रख सकते हैं। और अगर लॉग इन पेज के लिए चाहिए तो लॉग इन रिड्यूसर इस टाइप से हम बना लेते हैं। फिर इन सारी स्टेट्स को स्टोर पे कॉल करके हम क्या करते हैं, उनको सबको एक जगह पे कंबाइन कर देते हैं। तो होम रिड्यूसर हम बना लेते हैं, इस पे हम क्या करते हैं कॉन्स्ट होम रिड्यूसर, रिड्यूसर इज इक्वल टू एक फंक्शन ये होता है, इसको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होम रिड्यूसर। सो होम रिड्यूसर बनाया और एक एक्सपोर्ट कर दिया। तो ये फंक्शन क्या करता है, दो चीज़ लेता है, एक तो स्टेट और एक एक्शन। एक जैसे हम यूज स्टेट यूज़ करते थे उसके पास दो चीज़ें होती थी, एक तो वैल्यू और दूसरा उसको चेंज करने का मेथड। तो सेम वे में यहाँ से हम कोई एक्शन डिस्पैच करते हैं जिसके हेल्प से ये स्टेट चेंज होती है, एक स्टेट और एक उसको चेंज करने के लिए कोई एक्शन। ये एक्शन हम कहाँ से करते हैं, हमारे कंपोनेंट के अंदर से हम करते हैं। होम रिड्यूसर स्टेट इनिशियली हम स्टेट बता देते हैं, मतलब ये स्टेट क्या रहेगी। सपोज मैं कोई एक काउंट स्टेट ले लेता हूँ, काउंट, तो इनिशियली ये ज़ीरो रहेगी, काउंट ज़ीरो।
और यहाँ से मैं चेक करता हूँ कि कोई एक्शन होगा। अब एक्शन मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं, हो सकता है हमें इस स्टेट को इंक्रीज करना हो या फिर इस स्टेट को कम करना हो। तो पहला तो हमें चाहिए कि हम इंक्रीज़ कर रहे हैं या डिक्रीज़ कर रहे हैं या फिर टू इंक्रीज़ कर रहे हैं, क्या क्या चेंज हम कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास होता है एक्शन डॉट टाइप। तो जब भी हम एक्शन डिस्पैच करेंगे वहाँ से हम बताएंगे उसका टाइप के हम कुछ ऐड करने वाले हैं। तो सपोज़ अगर इफ़ एक्शन डॉट टाइप ऐड है तो हम क्या करेंगे, हमारी जो स्टेट रिटर्न करेंगे हम चेंज कर देंगे हमारे स्टेट को। तो स्टेट हो जाएगी, अब हमारे पास काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1। अभी जस्ट फॉर एग्जांपल ऐसा मैं ले रहा हूँ, हमें एक्शन डॉट टाइप अगर हमें करना है सपोज सब सब्ट्रैक्ट करना है, मान शॉर्ट में मैंने सब लिख लिया, तो हम इसको रिटर्न करते हैं यहाँ से काउंट कितना हो जाना चाहिए। ये सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये -1 हो जाएगा। अगर कुछ भी नहीं कर रहे ना इंक्रीज ना डिक्रीज, तो फिर हम क्या करते हैं कि रिटर्न सिंपली हम अपनी स्टेट को ही रिटर्न कर देते हैं। तो ऐसे हम लोग रिड्यूसर्स क्रिएट करते हैं। मतलब एक हम स्टेट ले लेते हैं, सपोज मैंने काउंट 0 ले लिया, जैसे हम दिस डॉट स्टेट लेते थे, और उसको चेंज करने के लिए हम एक एक्शन यूज़ करते हैं। अब इस एक्शन के पास दो पैरामीटर होते हैं, एक तो उसका टाइप कि ये किस टाइप का एक्शन हुआ, ऐड का, सबट्रैक्ट का, मल्टीप्लाई या कुछ और एक्शन हुआ, उसके अंदर एक पेलोड आता है। सो वैल्यू, मतलब अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा हमें 1 ऐड करना है या 2 ऐड करना है और कितना इसको इंक्रीज़ करना है। सपोज 0 था और हमें 2 इंक्रीज़ करना होगा तो 2, तो वो इसमें एक एक्शन में पेलोड आता है, एक्शन डॉट पेलोड। तो जितना वहाँ से पेलोड आएगा हम उतना ही कर देंगे, एक्शन डॉट पेलोड के इक्वल कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पे एक्शन डॉट पेलोड। तो जब भी हम एक्शन डिस्पैच करेंगे, अभी ये समझ में नहीं आएगा कि ये टाइप और पेलोड का क्या मतलब है, जब हम एक्शन डिस्पैच करेंगे तब हमें ये समझ आएगा मेनली। अभी तो हमने बस एक स्टेट क्रिएट की, अभी इस स्टेट को क्या करते हैं हम, अभी तो हमारे पास एक ही स्टेट है तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि होम रिड्यूसर, यहाँ पे होम रिड्यूसर हम ऐसे लिख सकते हैं। बट जनरली हमारे पास एक स्टेट नहीं होंगी, मल्टीपल होंगी, तो उनको हम कंबाइन करने का हमारे पास एक मेथड होता है कंबाइन रिड्यूसर्स, तो हम उसको यूज़ करते हैं कंबाइन रिड्यूसर्स ब्रैकेट। अब इसके अंदर हम बना लेते हैं होम, कुछ भी नाम रख सकते हैं अपनी ग्लोबल स्टेट का, ग्लोबल होम, ग्लोबल स्टेट। तो वो रहेगी हमारी जिसकी हेल्प से हमने रिड्यूस किया था, हमारे होम रिड्यूसर की हेल्प से। तो होम रिड्यूसर के इक्वल हम कर लेते हैं होम रिड्यूसर, और इसको हमने इम्पोर्ट भी कर लिया होम रिड्यूसर फॉर्म SRC रिड्यूसर्स। होम रिड्यूसर के अंदर से हमने एक होम रिड्यूसर को इम्पोर्ट कर लिया। अगर हमें ज़्यादा लेने होंगे तो हम यहाँ से किसी कॉमा करके दूसरा भी ले सकते हैं कि लॉग इन रिड्यूसर, तो यहाँ से लॉग इन रिड्यूसर इस टाइप से भी हम रख सकते हैं। अभी मैंने लॉगिन वाला बनाया नहीं, यहाँ पे बना लेते हैं लॉगिन रिड्यूसर। तो अभी मैं जो होम रिड्यूसर में वही सेम ही कोड लिख देता हूँ, बाद में हम अलग अलग कोड लिखेंगे दोनों के लिए। इसको और इसको हम चेंज करके कर देते हैं लॉगिन रिड्यूसर, और इसमें स्टेट भी अलग होंगी, ईमेल पासवर्ड जो हम लॉगिन पेज में हमारे भेज रहे थे वो सब चीज़ें हम यहाँ पे रखेंगे। अभी हमने जो हमारा लॉगिन पेज था इसके अंदर हमने स्टेट बनाई थी ईमेल पासवर्ड, सो ये सारे यहाँ अभी हमने लोकली ये यूज़ कर ली थी इसी कंपोनेंट में। हम ये करेंगे अब यहाँ पे ग्लोबली लॉगिन रिड्यूसर में हम करेंगे ईमेल एंड पासवर्ड, ईमेल कॉमा पासवर्ड पासवर्ड। सो इनिशियली तो ये रहेंगे एम्प्टी रख लेते हैं इनिशियली, ऐसे ही मेल एम्प्टी। फिर वहाँ से कोई एक्शन डिस्पैच करेंगे हम, लॉग इन सक्सेस, यहाँ से हम लॉग इन करेंगे लॉग इन स्टार्टेड, लॉग इन जैसे कंप्लीट होगा API कॉल होगी, फिर कंप्लीट होगा तो उसके बाद हम अलग अलग एक्शन डिस्पैच करेंगे। इस पर हम बाद में काम करेंगे क्योंकि इसमें हम API कॉल लगाएंगे। सो अभी हम सिंपल वाले पे काम करते हैं जिसमें हम सिंपली बस एक काउंट है और उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है बस, तो इस वाले पे हम काम करते हैं। तो हमने एक स्टोर बनाया और लॉग इन रिड्यूसर को इम्पोर्ट कर लेते हैं। ये ना मल्टीपल का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने अभी इसको यूज़ किया है। तो ये इतना बस हमारा पहला पार्ट हो गया कि हमें एक स्टोर क्रिएट करना था ग्लोबल,
और अगर हम अलग अलग पेज के लिए हम अलग अलग बना सकते हैं, चाहे तो हम सेम भी पेज पे भी लिख सकते हैं, लेकिन ब्रेक करना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अगर हम ब्रेक करना है तो हम रिड्यूसर्स यूज़ करते हैं अलग अलग। तो ये सारे फंक्शन हम सेम स्टोर डॉट जेएस पे भी लिख सकते हैं, चाहे तो अलग अलग लिख सकते हैं, सिंपल फंक्शन होते हैं। तो ये फंक्शन हमने लिखा होम रिड्यूसर के लिए। सो इतना पार्ट होता है हमारा इसको क्रिएट करना। अब सेकेंड पार्ट हमारा आता है इसको यूज़ करना। तो अगर हमें इसे यूज़ करना है तो सबसे पहले तो ये सारे कंपोनेंट्स में अवेलेबल होना चाहिए। तो इसको सारे कंपोनेंट्स में अवेलेबल कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक हमारे पास होता है प्रोवाइडर। प्रोवाइडर एक कंपोनेंट टाइप होता है जो कि हमारा होता है रिएक्ट रिडक्स में, जो हमने दूसरा पार्ट इंस्टॉल किया था। सो पहला पार्ट था रिडक्स। रिडक्स से हम क्या करते हैं, स्टोर क्रिएट करते हैं और अलग अलग रिड्यूसर्स बनाते हैं। तो मेन इसका काम बस मेन यही होता है, बाकी रिएक्ट रिडक्स का काम होता है कि अगर हमें इसे यूज़ कराना है रिएक्ट में यूज़ करना है तो रिएक्ट रिडक्स हम यूज़ करते हैं। तो प्रोवाइडर को हमने इंपोर्ट किया। अब इस प्रोवाइडर को हम ऐसी जगह पे यूज़ करेंगे जिससे सारे कंपोनेंट्स को ही मिल जाए। अगर मैं यहाँ, जैसे हमें मिला था ब्राउज़र राउटर, हमने सबके लिए यूज़ किया था सारे राउट्स के लिए, तो वैसे ही हम प्रोवाइडर भी यूज़ करें। तो प्रोवाइडर क्या करेंगे, मतलब प्रोवाइडर को इसमें रैप अप कर देंगे सारे इसमें, और इसको एक वैल्यू दे देंगे स्टोर इक्वल, एज अ प्रॉप पास कर देंगे हम स्टोर। तो सारे कंपोनेंट्स में अवेलेबल रहेगा। तो स्टोर अगर हमें चाहिए तो स्टोर हमने बनाया था, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें, इंपोर्ट स्टोर फ्रॉम बाहर जाना पड़ेगा, डॉट डॉट स्लैश ये रस्तों। सो स्टोर हमने बना लिया, इसको यूज़ कर लिया। ये स्टोर हमने गलत जगह बना लिया, हमें यहाँ बनाना चाहिए इसके अंदर, यूजर्स SRC से बाहर बना लिया, SRC के अंदर बनाना है, यहाँ बनाना है str.js, और इसका सारा कोड कंट्रोल ए कंट्रोल एक्स करके स्टोर के अंदर डाल देते हैं। इस वाले को डिलीट कर देते हैं। अभी ये SRC के अंदर भी नहीं जाना पड़ेगा हमें। डॉट स्लैश रिड्यूसर्स, रिड्यूसर्स के अंदर ही कंपोनेंट्स, और ये जो हमने यूज़ किया था यहाँ पे यूज़ किया था, इम्पोर्ट स्टोर फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश स्टोर, नहीं सेम पेज पे स्टोर है। अभी ये स्टोर हमारे पास आ गया App.js में। ओके सो इट्स वर्किंग नाउ फाइन। सो अब हम चलते हैं हमारे होम कंपोनेंट के अंदर। पहले तो हमने अवेलेबल करा दिया हमारे सारे कंपोनेंट के लिए मेन पेज, मेन कंपोनेंट पे जाके। तो यहाँ से हमने स्टोर अवेलेबल करा दिया, प्रोवाइड स्टोर। अब हम अपने सारे पेजेस पे किसी भी कंपोनेंट में जाके इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसको यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं यूज़ सेलेक्टर। इम्पोर्ट यूज़ सेलेक्टर हमें मिलता है, यूज़ सेलेक्टर एक हुक होता है जो हमें मिलता है हमारे रिएक्ट रिडक्स में, जो हमने यूज़ किया था रिएक्ट रिडक्स के पास। यही होते हैं यूज़ सेलेक्टर, यूज़ डिस्पैच, एंड जो थर्ड था प्रोवाइडर। वो तीनों चीज़ें रिएक्ट रिडक्स आती हैं। और रिडक्स में हमारे पास होता है स्टोर क्रिएट करना और स्टोर को मल्टीपल पार्ट में डिवाइड करना। तो यूज़ सेलेक्टर हमने लिया, और इसको अब हम यूज़ करते हैं कॉन्स्ट होम, कुछ भी नाम रख सकते हैं, होम ग्लोबल स्टेट अगर मैं नाम रखूँ, होम ग्लोबल स्टेट इक्वल टू यूज़ सेलेक्टर। इसके अंदर से हम स्टेट में से हम अभी क्या करते हैं, सारी स्टेट ही ले लेते हैं कंप्लीट, चाहे तो हम इसमें डॉट करके कुछ पार्ट भी ले सकते हैं। सपोज हम होम कंपोनेंट में हमें सिर्फ होम वाली ग्लोबल स्टेट ही चाहिए, तो हम स्टेट डॉट होम ले लेते हैं, वरना हम सारा पार्ट भी ले सकते हैं। अभी हम कंसोल करके देखते हैं कि हमें कितना पार्ट मिल रहा है। कॉमा 7 लाइन नंबर पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ। सो अभी हम होम पेज पे हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो इस वाले पार्ट को कमेंट कर देते हैं, बिना बिना लॉग इन के ये चलेगा नहीं। इसको अभी हमने रिफ्रेश किया, और हम चलते हैं हमारे होम पेज पे, स्लैश होम पेज। सो अब हम हमारे होम पेज पे आ गए, तो हमें यहाँ पे हमारी ग्लोबल स्टेट मिल रही है। तो इसके अंदर हमारे पास दो दो पार्ट हैं,
मतलब ये जनरली स्टोर क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट बना देता है इन सब को। इस ऑब्जेक्ट के अंदर होम रिड्यूसर, लॉगिन रिड्यूसर, उसके अंदर सारे पार्ट रहते हैं। तो एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट बना, उसके अंदर होम, ग्लोबल स्टेट, लॉगिन रिड्यूसर, ये सारे पार्ट हमारे पास रहते हैं। तो यहाँ से हम ये नेम डिसाइड कर सकते हैं, जैसे होम ग्लोबल स्टेट, दूसरे का नाम मैंने लॉगिन रिड्यूसर रख दिया था, इसका नाम मैं रखता हूँ लॉगिन ग्लोबल स्टेट, लॉगिन ग्लोबल स्टेट। कुछ भी नेमिंग कन्वेंशन रख सकते हैं जो प्रोजेक्ट में यूज़ होता है वही हम रख लेते हैं। अभी हमें दोनों मिल गए, होम ग्लोबल स्टेट, इसके अंदर काउंट है, काउंट जीरो, इसके अंदर है ईमेल एंड पासवर्ड्स। तो अगर मैं ईमेल पासवर्ड शो कराएं तो हम करा सकते हैं। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे होम पेज के आगे मैं शो करा देता हूँ इसकी वैल्यू। सो होम ग्लोबल स्टेट के अंदर से मुझे चाहिए काउंट, तो जो भी काउंट की वैल्यू होगी वो इसके आगे शो हो जाएगी। सो ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना, ये मैं ग्लोबल स्टेट से यूज़ कर रहा हूँ। सो मैंने यूज़ सेलेक्टर किया, मेरी ग्लोबल स्टेट आ गई मेरे पास, तो उसमें से मैंने काउंट यूज़ किया जो कि ये था। होम के अंदर मैंने काउंट बनाई थी स्टेट, तो अभी जीरो है तो शो नहीं हो रहा है, ये कुछ और रख लेते हैं, वन रख लेते हैं, काउंट के आगे आ नहीं रही है, देखते हैं क्यों नहीं आ रहा है। सो होम ग्लोबल स्टेट डॉट कॉम, रिफ्रेश करते हैं कंसोल करके देख लेते हैं, ये आ क्यों नहीं रहा, कंसोल डॉट लॉग और होम ग्लोबल स्टेट को कंसोल करते हैं। अच्छा, ये होम ग्लोबल स्टेट के अंदर, ओहो यहाँ से मुझे स्टेट डॉट होम ग्लोबल स्टेट मुझे लेना था, मैंने पूरा स्टेट ले लिया। सो स्टेट के अंदर से जो पार्ट हमें चाहिए वो ले लेते हैं, स्टेट डॉट होम ग्लोबल स्टेट, उसको हमने होम ग्लोबल स्टेट में सेव कर लिया। अगर हमें दूसरी स्टेट चाहिए तो कॉन्स लॉग इन ग्लोबल स्टेट इक्वल टू यू सेलेक्टर स्टेट डॉट, यहाँ पे लॉग इन बस कर देंगे, तो अभी मुझे काउंट मिलने लगा, काउंट की वैल्यू इस ग्लोबल स्टेट से काउंट की वैल्यू वन थी, तो वन आ गया। जितनी भी रखेंगे उतना ही आने लगेगा, अगर हम जीरो रखेंगे तो जीरो आ जाएगा, मतलब हम ग्लोबल स्टेट्स बना सकते हैं। अब सेकंड पार्ट है कि अगर हम कोई बटन रखें जिस पर हम क्लिक करें ये इंक्रीज या डिक्रीज हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ एक्शन डिस्पैच करते हैं। तो यहाँ पे हम बटन्स बना लेते हैं, इस पे हम करते हैं ऐड, इस पे करते हैं हम सब्ट्रैक्ट। तो मैं कोई एक्शन एक डिस्पैच करूँगा जिसकी हेल्प से क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो बटन के क्लिक पे, हो ऑन क्लिक पे मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन कॉल करूँगा जो फंक्शन क्या करेगा, एक एक्शन डिस्पैच करेगा। तो डिस्पैच करने के लिए मुझे पहले यूज़ डिस्पैच का यूज़ करना पड़ेगा, यूज़ डिस्पैच, और यूज़ डिस्पैच को हमेशा ऐसे इनिशियलाइज करते हैं यूज़ डिस्पैच, जैसे हमने यूज़ नेविगेट को किया था, यूज़ डिस्पैच, इसका नाम कुछ और रख लेते हैं डिस्पैच। तो यहाँ से हम एक्शन डिस्पैच कर सकते हैं, डिस्पैच, और वहाँ पे किस टाइप के एक्शन हैं जो वहाँ पे अवेलेबल हैं उन्हीं को बस हम डिस्पैच कर सकते हैं। तो इसमें ऐड टाइप का हमने हैंडल किया हुआ है, अगर ऐड टाइप का होगा और उसका पेलोड भी हमने लिया हुआ है, तो यहाँ से हम एक ऑब्जेक्ट डिस्पैच करेंगे। इसके अंदर क्या क्या होगा, एक तो इसका टाइप होगा, तो अभी मैं ऐड वाले बटन पर हूँ तो मैं ऐड का एक्शन डिस्पैच करूँगा, और उसके अंदर मैं पेलोड भेज देता हूँ जितना मुझे इंक्रीज़ करना है, दो बढ़ाना है मुझे, जैसे मैं क्लिक करूँगा टू इंक्रीज़ हो जाएगा। सो डिस्पैच टाइप हो गया ऐड और पेलोड हो गया टू। फ्रॉम दी सारसी कंपोनेंट, अच्छा यूज डिस्पैच दो बार हो गया, कुछ इश्यूज आ रहा है। ओके, ऐड और सबट्रैक्ट, अब सबट्रैक्ट करूँगा तो कोई एक्शन डिस्पैच नहीं हो रहा, तो कुछ नहीं हो रहा। अगर मैं ऐड करूँगा तो ये दो हो गया, क्योंकि वो ग्लोबल स्टेट दो बढ़ गई, ये इंक्रीज हुआ टू, तो
अभी जितना भी मुझे इंक्रीज़ करना होता है, अगर मुझे इसको करना है 4 इंक्रीज़ करना है वहाँ, तो ये जाएगा हमारे होम रिड्यूसर के पास, उसको मिलेगा सबसे पहले एक्शन मिलेगा, तो एक्शन में उसे दो चीज़ें मिलेंगी, एक तो टाइप, सो एक्शन डॉट टाइप अगर ऐड होगा तो ये क्या करेगा, काउंट को 2 बढ़ा देगा, एक्शन डॉट पेलोड, यानी जितना भी पेलोड से मिलेगा उतना ही ये कर देगा। या फिर हम ऐसा रख सकते हैं कि काउंट को बस प्लस प्लस कर दें, काउंट बढ़ जाएगी, तो ये जो काउंट है इसको हमें लेना पड़ेगा, ये स्टेट डॉट काउंट है, एक मिनट ऐसे ही करते हैं अभी के लिए, कुछ इशू आ रहा है इसको ऐसे ही करते हैं। अगर मैं 7, जैसे मैंने हार्ड कोडेड कर दिया, अगर मैं जैसे ही ऐड करूँगा तो बस वो 7 हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ जो मेरा एक्शन से पेलोड आया पेलोड के इक्वल हो जाए, तो जो भी वहाँ से मैं पेलोड भेजूँगा उसके इक्वल हो जाएगी क्लिक करते ही। सेम थिंग हम सब्ट्रैक्ट में भी कर सकते हैं, वही ऑन क्लिक पे, इस बार बस हमें क्या करना होगा कि एक्शन का नेम वगैरह चेंज कर देंगे, तो यहाँ से, तो यहाँ से मैं ऑन क्लिक एक्शन का टाइप बदल दूँगा सब, और पेलोड कर दूंगा -4, मतलब 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा वहाँ जाते ही। सब पे क्लिक किया -4 हो गया, ऐड पे क्लिक किया 4 हो गया, सब पे क्लिक किया, ऐसे जितना चाहे मैं कर सकता हूँ यहीं से। सो यानी मैं अपने फंक्शन के अंदर से यूज डिस्पैच की हेल्प से उन एक्शंस को डिस्पैच कर सकता हूँ टाइप और पेलोड के साथ। तो डिस्पैच में दो मेन चीज़ होती है, एक टाइप और एक पेलोड। टाइप मतलब कौन सा करना है, ऐड करना है, सेपरेट करना, डिलीट करना है। पेलोड मतलब कि कितना करना है, 2, 4, 6, कितना 1+1 करना है, कितना जितना भी करना है, सो उतना हम कर सकते हैं। सो 3 थिंग्स इसमें इंपॉर्टेंट है, एक स्टोर क्रिएट करना, तो स्टोर हमने क्रिएट किया, और मल्टीपल हमने रिड्यूसर्स बनाए। सो रिड्यूसर सिंपल फंक्शन होते हैं जिनके पास स्टेट और एक्शंस होते हैं, और ये एक्शंस हम कॉल करते हैं हमारे फंक्शन से, फंक्शनल कंपोनेंट से। एक्शंस के पास दो चीज़ें होती है, एक टाइप और एक पेलोड। सो टाइप बताता है कि हमें करना क्या, ऐड करना, डिलीट करना, या कुछ भी हम नाम रख सकते हैं यहाँ पे, जैसे काउंट था हमें ऐड और डिलीट करना था। लॉगिन में क्या करेंगे, हम लॉगिन की API कॉल करेंगे, कॉल लॉगिन API, लॉगिन API सक्सेस, लॉगिन API फेल, अगर लॉगिन API फेल होती है तो अब हमें क्या करना है, सो उस टाइप से हम चीज़ें बनाएंगे। उस टाइप से हम ये यूज़ कर सकते हैं, हम अब लॉगिन वाली API पे काम करते हैं। सो अभी ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, सो लॉगिन वाला हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि उसमें हमें API कॉल भी लगानी है। सो अभी वैसे लगी हुई है API कॉल लॉगिन वाली इसमें, बट ये हम यहाँ ना लगा के हम ग्लोबली यूज़ करेंगे API को। सो ऐसे लोकली यूज़ करते नहीं प्रोजेक्ट्स में APIs को, ग्लोबली यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर लॉगिन की API सपोज हमें कहीं और यूज़ करनी होगी तो फिर वो हमें दोबारा कोड लिखना पड़ेगा, ये इतना सारा, ये सारी स्टेट दोबारा बनानी पड़ेंगी, ये सब कुछ दोबारा लिखना पड़ेगा। तो अगर हम इन चीज़ों को ग्लोबली करेंगे तो फिर हमें बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, हम एक जगह लिखेंगे वही हमारा बार बार यूज़ हो जाएगा। सो यही हमें रिडक्स से का बेनिफिट होता है कि हमें कम लिखना पड़ता है और API की कॉल्स कम हो जाती हैं, क्योंकि अगर हमें कोई डेटा चाहिए हम बस एक बार कॉल करेंगे और सेम डाटा को हम रिडक्स में सेव करके जगह जगह यूज़ कर सकते हैं, मतलब अपने कितने भी कंपोनेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। सो अगले पार्ट में हम API कॉल कैसे करते हैं रिडक्स में, जैसे एक API कॉल करेंगे वैसे हम सारी API कॉल्स लगा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। सपोज हम लॉगिन की API कॉल देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।